हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप खुद वॉइस ओवर नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप जो है खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो है उसे AI सिस्टम से वॉइस ओवर करवा के उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने इनस्ट्रीम वीडियोज़ के बैकग्राउंड में उसे फिट करके उससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना है। अगर आपके पास विंडोज़ 7 नहीं है तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे जैसे कि क्लिप्स कैंप हो गया, यहाँ पे इसमें आपको कुछ पैसे देने होते हैं, यहाँ पे मोर्फ AI हो गया, यहाँ पे आपको फ्री में 10 मिनट का जो है वॉइस ओवर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से अगर आप ऑनलाइन भी ढूंढेंगे तो आपको ढेर सारा जो है AI सिस्टम वाला वॉइस ओवर आर्टिस्ट देखने को मिल जाएगा, जो मेल में भी होंगे, फीमेल में भी होंगे। तो आप ऑनलाइन जो है उसे फ्री वाले को ढूंढ सकते हैं। और अगर आपके पास जो है विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज करते हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा शानदार एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, ऑलरेडी दिया जाता है। आप उससे वहाँ पे जो है अनलिमिटेड बार वॉइस ओवर कर सकते हैं और 2-4 घंटे का भी वॉइस ओवर आप वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपको वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे OBS स्टूडियो सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर आपको स्ट्रीम लैब सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आपके पास है तो आपके लिए बेटर है। तो देखिए, ये दोनों चीज़ आपके पास होने चाहिए। और दूसरा क्या होने चाहिए कि आपके पास विंडोज़ 10 भी होने चाहिए। विंडोज़ 10 अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप तो ही आप इस वीडियो को जो है यहाँ पे देख रहे हैं उस ये काम करेगा, अन्यथा मैंने ऑनलाइन टूल्स का पहले ही जिक्र कर दिया है, उसका आप यूज कर सकते हैं जिसमें आपको पैसे देने होते हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जो है स्ट्रीम लैब यहाँ पे ओपन है, तो मैं इसी में रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। ये सभी होने के बाद आपको क्या करना है कि एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लिखे, कोई मूवीज देखे, मूवीज का अगर आपको स्क्रिप्ट पता है तो उसका स्क्रिप्ट आप लिखे, या फिर आप ऑनलाइन भी यहाँ पे कोई भी मूवीज के स्क्रिप्ट को सर्च करेंगे, हिंदी में, उर्दू में, किसी भी भाषा में यहाँ पे सर्च करेंगे तो ऑलरेडी कई सारे बंदे स्क्रिप्ट लिखे होते हैं, वहां से आपको डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो आपको पेस्ट करना है और कुछ कुछ आपको यहाँ पे चेंज कर देना है, और चेंज जब आप करते हैं तो वो कंटेंट आपका हो जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हिंदी में एक स्क्रिप्ट लिख के रखा है। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आता है तो मैं इसके लिए भी बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए गूगल इनपुट टूल्स, यहाँ पे आपको विजिट कर जाना है, और यहाँ पे देखिए गूगल इनपुट टूल्स जब आप सर्च करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये गूगल इनपुट टूल्स यहाँ से ओपन कर लेना है आपको। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ट्राई इट आउट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें कि आप माउस से भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे जिस भी भाषा में आपको लिखना है यहाँ पे सिर्फ उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं हिंदी में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे हिंदी में सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे हिंदी में ये लिखेगा जो भी मैं टाइप करूँगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपके खुद के PC में ही होता है, हिंदी में आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप डायरेक्ट अपने नोटपैड में टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि हिंदी में कैसे टाइप होता है, यहाँ से सिर्फ हमें चेंज करना होता है लैंग्वेज को। जैसे ही चेंज करेंगे हम यहाँ पे देखे अब हिंदी टाइपिंग यहाँ से जो है हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने PC में भी हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, बशर्ते आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं आता है तो आप यहाँ पे गूगल इनपुट टूल्स का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप टाइप करेंगे इंग्लिश में और यहाँ पे टाइप होगा हिंदी में। यहाँ पे इसका एक्सटेंशन भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका एक्सटेंशन भी अपने इस क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैंने सभी आपको सभी बातें बता दिया। अब यहाँ पे देखें, मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख लिया है। अब क्या करना है कि इस स्क्रिप्ट को मेल में या फिर फीमेल में जो भी हमें इच्छा है उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डेड हो रहा है अभी उसी में रिकॉर्ड हो जाएगा और आप सुन सकते हैं। सबसे पहले आपको एक OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग होता है सबसे पहले रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर लेना है, और यहाँ पे विजिट कर जाना है आपको वन नॉट सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे देखिए, अगर आप विंडोज़ 10 सॉफ्टवेयर विंडोज़ 10 का यूज करते हैं, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो यहाँ पे आपको ये जो है वन नॉट विंडोज़ 10 के लिए यहाँ पे फ्री में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। इसको सिंपली आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पे वन नॉट टाइप करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, आप इसे चाहे तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में जाकर और इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि मान लीजिए आपको यहाँ पे अब टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट लिख रखा है इस नोट पैड में, तो सिंपली इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके इस वन नोट में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
देखें यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ आप कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चार ऑप्शन यहाँ पे, होम बटन, इंसर्ट बटन, ड्रॉ बटन, व्यू और हेल्प बटन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको व्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, व्यू के जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे कि इमर्सिव रीडर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सभी टेक्स्ट आपके यहाँ पे ऊपर स्क्रीन में शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ से भी आपको प्ले करवाना है वहाँ पे सिंपली आपको कर्सर को यहाँ पे क्लिक करवा देना है। जैसे कि अब यहाँ पे शुरू होगा, एक शेर है यहाँ से ये स्टार्टिंग होगा, और यहाँ पे जब प्ले बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है वॉइस ओवर करना शुरू कर देगा। और यहाँ से वॉइस सेटिंग में जाकर आप यहाँ से इसके लैंग्वेज को नहीं, यहाँ से आप जो है इसके जेंडर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल में और मेल दोनों में कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं इसके स्पीड को, और डिक्रीज भी कर सकते हैं इस वॉइस के स्पीड को। देखिए मैं एक प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पहले हम यहाँ पे फीमेल में प्ले करेंगे। अब इसका जो रिव्यू देख सकते हैं और हमें कमेंट पे बता सकते हैं कि इसका जो है वॉइस ओवर आपको कैसा लगा। एक शेर है जंगल का राजा मुफासा। तो देखिए आप फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ पे फीमेल में आपको प्ले करके सुना दिया। अब यहाँ पे देखिए मेल में भी मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। यहाँ पे आप मेल को भी आप सुन ले। मुफासा अब हीरो है तो विलेन भी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने सुना। अब क्या करना है कि इसी तरह से आपको पूरे स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करवा लेना है, और कोई भी डिज्नी का मूवी हो या फिर जिस भी मूवी का आपको यहाँ पे वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया, उसी मूवी के कुछ कुछ पार्ट्स को आपको एडिट कर लेना है और उसके बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगा देना है और इसी वॉइस ओवर को वहाँ पे लगा देना है। अब आपका कंटेंट तैयार है। आप उसको चाहे तो आप फेसबुक पेज पर यूज करके उससे अर्निंग भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे वॉइस ओवर कर लेना है। इसी को अपने खुद के मुंह से जो है फेस रिकॉर्ड कर लेना है, अच्छी तरह से वॉइस ओवर कर लेना है, और OBS में या फिर स्ट्रीमलैब में रिकॉर्ड कर लेना है। और अच्छी तरह से यहाँ पे इस ऑडेसिटी यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिख जाएगा, इसमें आप इसे अच्छी तरह से इसको एडिट कर ले। एडिट करने के बाद अब मूवी में बैकग्राउंड में आपको क्लिप लगाना है और इस वॉइस ओवर को डाल देना है। जैसे कि मैं एग्जांपल में दिखाऊं तो फेसबुक के लिए तो आप यूज कर ही सकते हैं, और इसको जो है आप चाहे तो यूट्यूब के लिए भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे हम यूट्यूब में विजिट करेंगे। यहाँ पे देखे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वीडियो को हम प्ले करेंगे और उसे म्यूट करेंगे, और आप भी खुद देख ले कि यहाँ पे खुद लोग जो है यहाँ पे करते हैं। देखे मैं यहाँ पे जैसे कि एक मूवी जो डिज्नी का मूवी है, यहाँ पे हम लिखते हैं द लायन किंग। आप लोग जानते होंगे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे द लायन किंग यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे हिंदी और रिव्यू आपको लिख देना है। देखिए हिंदी रिव्यू मैंने टाइप किया। अब यहाँ पे ढेरों आपको दिख जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इसी तरह से यहाँ पे इसके रिव्यू को जो है वॉइस ओवर में आप फेस को लगा के भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बिना फेस के भी कर सकते हैं। ये भी देखिए, ये जो है बिना फेस के यहाँ पे फेस के साथ की है। तो इस तरह से आप जो है एक वॉइस ओवर 5 से 10 मिनट का बना लेना है, और उस मूवी के बारे में जो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं बस रिव्यू दे देना है। इसके व्यूज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारा व्यूज देखने को मिल जाएगा। सभी के वीडियो पे यहाँ पे देखे तो ढेर सारा जो है यहाँ पे व्यूज देखने को मिल जाएगा, जो कि ये मूवीज 3 साल पहले जो है लॉन्च हुई थी। तो इसी तरह से आपको करना है। आप वन नोट से करेंगे तो आप फेसबुक पेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इससे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वॉइस ओवर से रिलेटेड जो है आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, फेसबुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।